हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आइए थोड़ा सा मेरिट के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एलडीआर सुपरवाइजर के टोटल जो है पोस्टें थी 41, जनरल की 23, एससी की 8, ओबीसी की 7 और एसटी की 3। तो जो काउंसलिंग है उसके लिए 41 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 123 आता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का स्कोर जो है वो टाई हो जाता है। तो उस स्थिति में जो है, अगर मान लीजिए 4 लोगों का स्कोर टाई हो गया तो 3 एक्स्ट्रा लोग बुलाएंगे, 3 लोगों का स्कोर टाई हो गया तो 2 लोगों को बुलाएंगे, अगर 10 लोगों का स्कोर टाई हो गया तो 123 की जगह 132 लोग भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है। तो काउंसलिंग जो होगी उसके लिए 69 लोगों को जनरल कैटेगरी से बुलाया जाएगा, एससी से 24, ओबीसी से 21 और एसटी से 9। ठीक है, अब बात करते हैं मेरिट की। मेरिट जो है वो आउट ऑफ 85 काउंट होगी, क्योंकि 170 नंबर जो 170 क्वेश्चन है वो 85 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई जो है वो 60 स्कोर कर रहा है तो उसके मार्क्स, कोई जो है वो 120 क्वेश्चन अगर उसके सही हैं तो उसके मार्क्स 60 बनेंगे। ठीक है, और अगर किसी के 130 सही हैं तो उसके 65 बनेंगे, किसी के 140 सही हैं तो उसके 70 मार्क्स जो हैं वो काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले पेपर की। देखिए, पिछली बार जो 2017 में था तो वहां पर 170 तक पेपर था 200 मार्क्स का, और टॉप पर मान लीजिए 160 के आसपास स्कोर कर रहा था, यानी कि 80% स्कोर जो है वहां पर रिटन एग्जाम में हो रहा था, 2017 की बात की जाए। लेकिन वहां पर पेपर जो था वो इजी था, पेपर जो था वो इजी था। ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटर उतने तैयार भी नहीं थे। ठीक है, काफी सारे फैक्टर है। अब अगर हम मान लीजिए 80% मान लीजिए टॉपर स्कोर कर रहा है तो 170 क्वेश्चन का 80% जो हुआ है वो है 146। तो अगर हम पिछली बार का यहां डाल दें कि हाँ जी पेपर जो है वो 146 बनते हैं 80%, तो टॉपर जो है यहां पर 146 जो है वो मार्क्स ले रहा होगा। अब 146 मार्क्स का मतलब ये है कि एक पेपर मुश्किल था इस बार का। तो क्या वह सच में वो, जैसे पिछली बार उन्होंने 160 लिए आउट ऑफ 280%, तो क्या इस बार वो 146 ले सकता है? पेपर इजी था, सॉरी पेपर पिछली बार इजी था, इस बार मुश्किल था। तो अब अगर इस बार मुश्किल था पेपर तो 10 से 20 नंबर कम। लेकिन फिर यहां एक दो चीजें काउंट करनी पड़ेंगी। एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, कॉम्पिटिशन का बढ़ने की वजह से। दूसरा, कॉम्पिटिटर भी जो है वो थोड़ी उनकी क्वालिटी बढ़ गई थी। तीन चीजें हैं, एक कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, तो यही लोग अगर शायद पिछले पेपर में बैठे होते तो 160 ना लेके वो 170 या 175 या 180 तक भी जा सकते थे, यानी 90% तक भी स्कोर कर सकते थे एक, अगर ये लोग जो इस बार बैठे हैं। दूसरा, क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटिटर भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो लोग 10 साल से एक एग्जाम का वेट कर रहे थे उन्होंने पहले भी एग्जाम दिए हैं, तो क्वालिटी जो है वो भी चेंज हुई है। ठीक है, जो कंपटीशन, क्योंकि पहले जो था वो 2007 वाले लोग जो है वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो अब जो है वो क्वालिटी भी बढ़ी है। सबसे बड़ी बात जो बढ़ी है इस बार, कि पिछली बार लोग जो है वो कुछ गिने चुने पॉकेट्स में तैयारी हो गई थी, जैसे कोई कोई कोचिंग सेंटर में जा रहा था या कोई किसी को पर्सनली जो है वो कोचिंग दे रहा था। इस बार क्या है कि मास स्केल पे तैयारी हुई है, 9-9 महीने लोगों ने तैयारी की है, और ब्रॉड लेवल पे खास तौर पे डिपार्टमेंट की तैयारी की है और जीके की भी तैयारी जो है उनकी इम्प्रूव हुई है। तो उस वजह से मैं फिर मान के चल रहा हूं कि मेरिट जो है वो उतनी ही रहेगी जितनी पिछली बार थी, यानी कि 146 टॉपर जो है वो 146। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जी मान लीजिए गलती से अगर कोई एक आधा व्यक्ति जो है वो 150 क्रॉस कर जाए गलती से, मैं अभी भी मानने को तैयार नहीं हूं इस आंसर की के हिसाब से। हाँ, जब आंसर की रिवाइज्ड होगी ना, अभी असली आंसर की तो अभी आनी है, तो जब रिवाइज्ड आंसर की होगी तो वो जो रिवाइज्ड आंसर की रिजल्ट के आसपास ही आती है, तो रिवाइज्ड आंसर की में जो है वो 2-3 नंबर सबके बढ़ेंगे। तो हो सकता है ये जो मैं 146 बोल रहा हूँ ये 148 तक चला जाए। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी 146 टॉपर के मान के चल रहा हूँ। अब अगर कोई 150 स्कोर कर रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा वो गले से उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी इस एग्जाम में बैठा होता, अगर मैं खुद भी इस एग्जाम में बैठा होता तो, क्योंकि मेरी जीके पे बहुत अच्छी पकड़ है। मैंने बोला भी था आपको कि जैसे ये पेपर मैंने देखा, मैंने कहा जीके तो लगभग 100% जो है मुझे आसान लगी। आसान का मतलब है मैं 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर कर सकता था, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूँ कि मैं 47 स्कोर करता,
ठीक है, 47 मार्क्स मेरे जीके में आते आउट ऑफ 50, जीके हिंदी इंग्लिश जो भी रीजनिंग था, और जो दूसरा वाला पोर्शन था उसमें मेरे 12 क्वेश्चन गलत हो जाते आउट ऑफ 120 जो था सब्जेक्ट का, तो मैं वहां 12 क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन फिर भी जो है मैं 12 क्वेश्चन वहां पे गलत करता, यानी टोटल मैं 155 के आसपास स्कोर करता। मैं 155 कैसे स्कोर करता, ड्यू टू जीके की वजह से। जो वर्कर्स हैं वो मैक्सिमम, जिनसे मेरी जो भी मेरे को लगता है कि जो वर्कर्स हैं वो मैक्सिमम 34 से ज्यादा नहीं इसमें स्कोर कर सकती। अच्छी वर्कर्स भी जो है वो 29, 30, 31, 32 ये स्कोर कर रही है। अब अगर हम, मैं 146 बोल रहा हूँ तो मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ कि एक वर्कर जो है वो कईयों के पेपर जो है, जैसे मैं 108 बोल रहा हूँ कि 120 में से स्कोर करते, कई वर्कर 110, 112 भी स्कोर कर रही हैं इसमें, और वो कोई गलत बात नहीं है। डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट की नॉलेज होती है, ठीक है, तैयारी हुई है 9 महीने से, ठीक है, सारे सिलेबस को छुआ गया, तो 110, 112 नंबर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 120 नंबर नहीं आप ले सकते, ठीक है, वो असंभव सी चीज है। 110, 112 जो टॉपर्स हैं वो ले सकते हैं, जीके में वो 34 से ज्यादा नहीं लेंगे जो टॉपर है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई वर्कर 112 कर रही है यहाँ पे स्कोर, 34 वहां कर रही है, तो टोटल उसका स्कोर 146 ही बन रहा है, यानी 146 से ज्यादा जो मेरिट जाना है वो एक असंभव सी चीज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या इसमें कोई गड़बड़ हुई है। देखिए, गड़बड़ मैं तो नहीं बोलता, पर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एग्जाम लिया है, बहुत ही रेपुटेड बॉडी है हिमाचल के, दोनों ही संस्थाएं पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बहुत रेपुटेड बॉडी है, कोई इसमें चैलेंज नहीं होता, और बहुत ही निग्लिजिबल लेवल पे कोई भी अगर कुछ भी होता है, बहुत ही मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होता है। अब कुछ भी चीज छुपी नहीं है, ठीक है, जैसे ही रिजल्ट आउट होगा इन 125 लोगों का, आपको ये तक बता दिया जाएगा उनका नाम क्या है, उनके हस्बैंड या फादर का नाम क्या है, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, और ये भी बता दिया जाएगा वो किस सेंटर से जो है वो सिलेक्ट हुए। हाँ, देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, तो वहां से 40% लोग एग्जाम दे रहे हैं, 35 से 40% लोग, तो अगर वहां से 35, हम डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, हम ये बताएंगे आपको कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने लोग जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो भी कोई पूरी बात नहीं है, किसी डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा भी हो सकते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट से कम भी हो सकते हैं, लेकिन एक सेंटर से मान लीजिए 15 से 20 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं, एक सेंटर, पर्टिकुलर सेंटर, मान लीजिए किसी का एग्जाम किसी स्कूल में है और वो स्कूल से ही जो है वो 15 से, क्योंकि एक कमरे में जो है वो 20 से ज्यादा लोग नहीं बैठते, एक कमरे में मैक्सिमम 20, 25, 30, इससे ज्यादा लोग जो है वो कोविड के टाइम में नहीं बिठाए गए हैं, तो मान लीजिए एक कमरे से ही 10-15 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं या एक सेंटर से ही खास जगह पे जो है, तो फिर कोई जो है वो चैलेंज, लेकिन वो जो है वो जब हमारी काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ये बातें हैं, और ये चीजें जो है ये कोई छुपी भी नहीं रहती, आजकल सब कुछ है। जो आप 5,500 लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उनके मार्क्स, एक एक के मार्क्स जो है वो पब्लिक डोमेन में सबके सामने आ जाएंगे, तो ये चीजें कोई नहीं है, ये सब कुछ होता है। यहाँ 40-40, 50-50 हजार लोग एग्जाम देते हैं, उनके सबके मार्क्स आउट होते हैं, तो किसी प्रकार की हम धांधली बोले तो ये उन लोगों के साथ अपमान है जिन्होंने तैयारियां की है, चाहे वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो एक कमिटमेंट के ऊपर जो है वो डाउट है, तो हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन जो है जब रिजल्ट आएगा, रिटर्न का रिजल्ट आएगा काउंसलिंग का, तो हम एक एक नंबर को जो है वो डिस्कस करेंगे, उन्हें 123 लोग जो सिलेक्ट होंगे उनके बारे में पूरी फुल डिस्कशन कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको, आप सब जानते हैं, आप में से ही सिलेक्ट होंगे, आप बता सकते हैं कि भाई क्या सच में वो उस लायक थे नहीं थे, ठीक है, किस जगह से कितने लोग हुए, किस सेंटर से कितने लोग हुए, ठीक है, वो सारा डिस्कशन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे, बात करते हैं काउंट मेरिट की। अब मैंने आपको बता दिया मेरे हिसाब से जो है 146 टॉपर हो सकता है, वो इस आधार पे कि पिछली बार का टॉपर और इस बार का टॉपर जो है वो लगभग सेम रहेगा, ठीक है, लेवल कॉम्पिटिशन बढ़ गया था, क्वालिटी बढ़ गई थी, और लोगों ने 9-9 महीने तैयारियां की है, तैयारी इतनी तैयारी जो है 2015 और 17 में नहीं हुई है, ठीक है ना, तो उस समय वो इतना वो था, जागरूकता थी और लेवल, क्योंकि अब वो जो कोचिंग थी ना वो पर्टिकुलर एक 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 फील्ड में एक व्यक्ति के पास सीमित ना होकर वो सब पे अवेलेबल हो गई थी, तो वो चीजें जो है वो इस बार नहीं थी, तो इसलिए 80% यानी कि 146 जो है मेरे हिसाब से वो टॉपर होगा। आंसर की रिव्यू होने के बाद 2-3 नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं, तब भी मैं 146-147 यानी 145-147 के बीच में टॉपर का स्कोर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब हम जो है मेरिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं काउंसलिंग के लिए जो आउट ऑफ 85 जो है वो मेरिट
जो है वो आएगी, 15 मार्क्स का फिर इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन में मैं एक चीज बता दूं, 2.5 नंबर तो सिर्फ 10वीं के आपके परसेंटेज के आधार पे, मान लीजिए कोई 40% ले रहा है 10वीं में और कोई 70% ले रहा है, ठीक है, तो 1 नंबर का लगभग 1 नंबर का डिफरेंस तो वो वहीं पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो वो 15 नंबर का काउंसलिंग कैसी होगी, जब रिजल्ट आएगा तो हम उसके बाद रिजल्ट पे भी डिस्कशन करेंगे, काउंसलिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने चैलेंज करने के आपको बता दिया, रिजल्ट अभी 25 दिन नहीं आएगा क्योंकि, ठीक है, 29 तक ऑब्जेक्शन ही मांगे, उसके बाद कमिटी बैठेगी, फैसला करेगी, फिर कहीं जाके आंसर की चेंज होगी, आंसर की में 2-3 क्वेश्चन के आंसर चेंज होंगे, फिर रिवाइज्ड सबके नंबर जो है वो चेंज होंगे, जब सबके नंबर रिवाइज्ड चेंज होंगे उसके बाद जाके कहीं रिजल्ट आता है, ठीक है। तो टाइम लगता है उसमें, 1 महीना लग सकता है। तो मेरिट 8 out of 85, जनरल आएंगे 65 to 68 को कॉल, यानी कि 130 से 136 के बीच में जो है वो कॉल आने की संभावना है, ठीक है। जिन्होंने 130 से 136 क्वेश्चन सही किए हैं अभी आंसर की के हिसाब से, उनको जनरल में। एससी में जो है वो 120 से 126 के बीच का जो है वो कॉल काउंसलिंग के लिए आ सकती है। यहां मैंने डिफरेंस रखा हुआ है क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बोल सकता। ओबीसी में जो है वो 122 से लेकर और 128 के बीच में जो है वो कॉल आ सकती है, यानी 61 to 64 का मतलब है 122 से 128 तक क्वेश्चन। और एसटी में जो है वो 118 से लेकर 122 के बीच में जो है वो आपको काउंसलिंग की कॉल जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है, हो सकता है आपको कुछ फिलहाल मैं जो भी लोग कमेंट करते हैं ना, मैं कमेंट के किसी के भी मार्क्स जो है वो क्योंकि मेरे जो कमेंट बॉक्स में अभी तक किसी ने भी जो है वो 145 प्लस को नहीं किया, जो है कमेंट नहीं किया था, और जब आंसर की आ गई तो उसके बाद कोई भी कमेंट नहीं आया था, क्योंकि जिन्होंने भी 145 से ऊपर किसी ने कमेंट ही नहीं किया, और 142 वाले भी जो 143 वाले भी जो थे वो मेरिट के बाद वो बिलो 140 चले गए। तो ये मैं बता देता हूँ, जिन लोगों ने भी कमेंट किया है वो बिलो 140 चले गए हैं, तो अभी तक 140 से ऊपर कोई मिला ही नहीं है, तो काउंसलिंग की कट ऑफ 140 से ऊपर जाएगी, ये मेरे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कोई भी स्पेकुलेशन के लिए हमें प्रूफ चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसे किसी के ऊपर वो नहीं करना। आप मान के चलिए लोग बढ़ा चढ़ा के नंबर बताते हैं, और जब आंसर की आ गई है तो 2-3 नंबर बढ़ जाएंगे नंबर, या क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, तो मान लीजिए 2 क्वेश्चन बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली 1 नंबर बढ़ेगा ना। तो यही मेरी प्रेडिक्शन है, बाकी वेट एंड वॉच, ठीक है, कोई फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, सब सब का जो है वो पता लग जाएगा, ठीक है, आप सबने मेहनत की, ठीक है। और दूसरा जो है वेट, रिजल्ट का वेट करिए, और फ्यूचर के लिए जो है वो प्लानिंग करिए, क्या करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप सुपरवाइजर ओपन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें कंपटीशन और बढ़ जाएगा, सीटें कम हो जाएंगी, आज यहाँ 41 सीटें, हो सकता है वहाँ 30 सीटें ही आएँ, और कंपटीशन जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ पे 5,500 लोग थे, वहाँ 15,000 से 20,000 लोग होंगे पेपर देने वाले, और उनका लेवल भी जो है वो हाई होगा जीके के। यहाँ पे तो वर्कर्स के जीके ही अच्छी नहीं है, वहाँ पे उनको जीके वालों के मास्टर्स, जो जीके के मास्टर्स हैं उनसे फाइट करनी पड़ेगी। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उसके लिए फिर आप चूजीज या सेलेक्टिव तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने एक और चीज बताई थी कि +2 बेस पे लगभग 1.5 से 2,000 पोस्टें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है वो निकलने वाली है, कि आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें जो है वो रिटर्न एग्जाम, मान लीजिए 2,000 पोस्टें हैं तो 20,000 लोग जो है वो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का मतलब एक तरह से क्लर्क है, तो 20,000 लोग रिटर्न क्वालिफायर, सॉरी टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो क्या आप उसकी तैयारी, उसमें 120 नंबर का जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा सिलेबस, तो क्या आप, क्योंकि देखिए कोई भी जो है वो माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सबने यही सीखना है, कंप्यूटर भी सीखा जा सकता है, ठीक है। तो क्या आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि वहां गुंजाइश ज्यादा है, सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है, हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो चाहे तो मैं पोल भी डाल दूंगा, ठीक है, कमेंट जो कम्युनिटी बॉक्स है उसमें पोल डाल दूंगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप, क्योंकि मेरा भी जो है ना 2-3 दिन से बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, जैसा आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, तो मेरा भी वीडियो बनाने का कोई मन नहीं कर रहा है, क्या बनाऊं,
ठीक है, एक अजीब सा जैसे एक बहुत ज्यादा हाइक पे जाते हैं फिर एकदम से जो नीचे चले जाते हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगता है रिकवर करने का, आप लोग भी कर रहे होंगे, मैं भी रिकवर ही कर रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।